कोरोना काल में मरने वालों के परिजनों के सामने तमाम तरीके की समस्याएं आईं, कहीं लकड़ी की कमी तो कहीं लोगों को दफन करने के लिए जमीन भी नहीं मिली। इसी सिलसिले में सरकार ने कोविड काल में मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया था। इसके संबंध में पंचायती विभाग ने गांव-गांव में लोगों को सूचित भी कर दिया था कि सरकार उनके साथ है और अंतिम संस्कार परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। कोरोना काल में अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है और लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान लोगों की हुई मौत में अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने हर मृतक परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। इसी सिलसिले में श्रावस्ती जनपद के हरिहरपुर रानी ब्लॉक के जोगड़ और चेलाही गांव में कई मृतक परिवारों को 5,000 की आर्थिक सहायता की गई है और इस पर गरीब परिवारों ने सरकार का तो शुक्रिया अदा किया ही, लेकिन आंख में आंसू भर आए। इस मुसीबत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। थी आपको सहायता मिली है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सहायता, क्या राशि मिली है? हम आपको सहायता 5,000 रुपए मिली है सर। किसके माध्यम से मिली है? प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से। और सर बहुत बहुत शुक्रिया है और इसने बहुत वो है क्रिया कफन के लिए सहयोग दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने हम लोगों को आदेशित किया है कि ग्राम में अगर कोई गरीब परिवार में मुखिया उसका जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सा सम्मान धनराशि 5,000 की राशि उसके क्रियाकर्म करने के लिए जो है दिया जा रहा है। इसी के क्रम में हमने यहाँ पर दो लोगों को आज जो है दिया है 5,000 और भविष्य में भी ऐसे गरीब लोगों की हम लोग जो है सतत मदद करते रहेंगे। मृतक परिवारों को धनराशि दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हम लोग को गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और हमारे ग्राम सभा जौगढ़ में चैलाही गांव है जिसमें दो लोगों की मृत्यु हुई अभी हाल ही में। ये बहुत गरीब मतलब परिवार से बिलोंग करते हैं तो इन लोगों को 5,000 रुपए की धनराशि अभी हम लोग हम और सेक्रेटरी साहब के माध्यम से द्वारा दी गई है। ठीक है, बाकी जो भी हमारे ग्राम सभा में गरीब परिवार जितने भी इस लेवल के हैं कि जो दाह संस्कार ना कर पाएँ उन लोगों की मदद जो सरकार द्वारा बताई गई है उस लेवल से हम लोग करते हैं।